अमृत कौर गिल, डिप्टी कमिश्नर फतेहगढ़ साहब, आप सब नू बेनती करनी चाहनी है क्योंकि जेडी ये कोविड दी महामारी सानू घेर के बैठी है, ओदा प्रकोप हुन कुछ पिछले दिनों तो वध्या है। ते मैं इस जिले दी डिप्टी कमिश्नर होने के नाते जिम्मेवारी महसूस करती हाँ कि मैं अपने जेडे मेरे सिटीजन हैं फतेहगढ़ साहब के, उन्हां नाल मैं मुखातब होवां। ते ये गल जरूर सांझी करां कि ये जेड़ा हैगा बहुत सीरियस इशू हैगा, ते थोनू सारयां नू इस जेड़ी महामारी नू कंट्रोल करन दे विच कुछ जेड़ियां हदायतां सी जारी कीतियां समय समय सिर। मिशन फतेह जेड़ा के सीएम पंजाब वल्लों लॉन्च कीता गया उहदे तहत सानू आ रहियां ते असी थोनू पास ऑन कर रहे हां। सो मेरी जिला प्रशासन वल्लों लोगों नू ये बेनती है कि तुसी जेड़ा इस मिशन फतेह नू कामयाब करन दे विच साडे नाल कुछ बेसिक गल्लां जेड़ियां मैं तुहानू दसना चाहूंगी वो सानू स्ट्रेंथ दो फॉलो करके। एक तां हैगा कि बिना मतलब तो जेड़े बंदे दा कोई बाहर जाण दा दी जरूरत नहीं है तो वो बंदा घरों बाहर ना निकले। कट्ठ नू बिल्कुल अवॉइड करो, अपने मुंह ते बाहर घरों जदों जाना है मास्क हमेशा थोड़ा पाया होवे, ते जदों भी किते तुसी जाने हो तां अपना जेड़ा तुसी ओह हैगा सोशल डिस्टेंस, आपस च दूरी, एक व्यक्ति तो दूजे व्यक्ति दे विच दूरी ओह हमेशा बना के रखो। दूरों ही फतेह या सलाम करो। ते दूसरी जेड़ी मैं गल थोनू ये कहनी चाहनी है कि पहला असी फतेहगढ़ साडा काफी ठीक सी, हुण भी मुकाबले जे दूसरे जिलों के देखिए तो काफी ठीक है, पर फिर अफसोस नाल मैनू ये कहना पै रहा कि साडे अज दी डेट च एक्टिव केसेस जेड़े हैगे हैं जिला फतेहगढ़ दे विच 49 है, 49 केस हैं और दो अनफॉर्चुनेटली मौतां भी हो चुकी हैं। सो मैं इस दसण दा मेरा मतलब ये है कि थोनू इस जेड़ी हैगी है वायरस है इहदी सीरियसनेस बारे पता लग जाए। इस जेड़ी जंग दे विच हर सिटीजन दी उन्नी ही जिम्मेवारी है जिन्नी प्रशासन दी। सो मैं थोनू सारयां नू एक गल होर भी एडवाइस करनी चाहूंगी कि थोनू जे कोई पता लगदा आपदे एरिया च आपदे मोहल्ले दे विच कोई बंदा बाहरों आया उस दे बारे जे उहने नहीं दस्या जां थोनू लगदा भी ओह बंदा थोड़ा जिहा लुक छिप के आपदे घर च जांदा है तां उस दा जेड़ा हैगा सानू इनफॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड करो तां कि असी उहदा टेस्ट कर सकीए। जे बंदे बाहरों जेड़े आ रहे मेनली साडे जेड़ी बीमारी है उस चीज़ ने फैलाई है। ते मिशन फतेह दे विच ज्वाइन करन वास्ते एक कोवा ऐप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ओह कीती है लॉन्च, ते मैं सारे सिटीजन्स नू बेनती करूंगी कि ओह अपनी इस ऐप नू जरूर लोड कर लैण आपदे मोबाइल ते, ओहदा जेहड़ा कि कई किस्म नाल फायदा उहनां नू भी होऊगा ते जिला प्रशासन नू भी होऊगा, तां मतलब जिहदे तहत असीं मिशन फतेह नू चंगे तरीके नाल इंप्लीमेंट कर सकांगे। इहदे विच साडे पिछे जेहड़ा कुछ दिनां तों वध्या उहदे च पहलां साडे जेहड़े एरिया सीगे बदोची कलां दे विच काफी केस इक्को जगह तों निकले तां उहनूं सानूं कंटेनमेंट एरिया बनाउणा पिया, ओह आपणा उदों कंट्रोल हो गई बीमारी उत्थे तां हुण असीं उहनूं फ्री करता। इसे तरहां साडा इक अमलोह दे विच एरिया अफेक्ट होया सी, उहदे च वी काफी केस इक्को थां निकले सी, ओह वी कंटेनमेंट एरिया बणिया सी, माइक्रो कंटेनमेंट जोन कहिंदे आ असीं उहनूं, ओह वी अपना टाइम पूरा करके उत्थे कंट्रोल हो गई ते उहनूं वी असीं क्लीयर करता। अज दी डेट दे विच साडे कोले बसी पठाणा जिहड़ा हैगा ओह एरिया माइक्रो कंटेनमेंट बणिया होया, इक्को ही जगह तों काफी केसेस निकले हैं। सो मतलब इस चीज का जिहड़ा लोकां च डर है वह नहीं है, उस करके ज्यादा तोरा फेरा शुरू हो गया, लोग इधर उधर जाण लगे बिना मतलब तो तुरे फिरदे हैं, उहदा जिहड़ा खमियाजा सानू यह भुगतना पै रहा। सो मैं यह सारे फतेहगढ़ दे वासियां नू यह बेनती आपदे वल्लों करना चाहुंदी हां कि मेहरबानी करके बिना लोड़ तों बाहर ना जाया जावे ते जेहड़ियां इहदियां गाइडलाइनस आ उहनां नू स्ट्रिक्टली फॉलो कीता जावे। मैं तुहानू एक गल होर भी शेयर करना चाहुंदी, मैनू कुछ जिला वासियां ने सवाल पुछे सी
ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਜੈਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੈਗਾ, 7 ਦਿਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਚ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਜੇ ਕੇਸ ਚੋਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਰਾਲੀ ਤੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ 144 ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ MC ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਟਰ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੂਟੇਬਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸਖਤੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਕਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੋਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਜੈ ਹਿੰਦ।